everyone. My name is Nikhila Sharma. I'm the director of Go Clean Solutions Private Limited. I follow Ricky Chadda as an astro healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइटल है, इसको देख करके आपको ऐसा लगा होगा कि क्या ये सत्य है, क्या ऐसा है, क्या ये संभव है, क्योंकि आपको बहुत से लोगों ने डरा के रखा है। सभी लोग को लगता है कि शनि देव एक ऐसे प्लैनेट है कि मुझे काफ़ी लोग कंसल्टेशन में फ़ोन करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ बताइए आपकी तकलीफ क्या है, तो बोले नहीं 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 सर, मुझे किसी ने बताया कि मेरी शनि की दशा लग रही है, महादशा लग रही है, तो मुझे तकलीफ तो आनी है। तो मैं उनसे कहता हूँ क्यों आनी है, ऐसा क्या है कि आपको आना तकलीफ आनी है। बोले कि नहीं, क्योंकि शनिदेव तो ऐसे ही है, मेला बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। सभी ग्रहों में से ग्रह राजा ग्रह है शनिदेव। इन्हें समझने के लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने जा रहा है, लेकिन इसको सुनिएगा जरूर। मैं बहुत आराम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शनिदेव पैसा और नसीब खोलते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में शनि देव जहां पर भी बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, उस भाव में शनि देव दर्शाते हैं आपका एक डर। उस घर से आपको डर भी है और उस घर पे आपको काम भी करना पड़ेगा, और शनि देव चाहते हैं कि आपको उस घर के लिए जद्दोजहद करनी है, काम करना है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आपको इस घर के लिए काम करने का है, चाहे वो पहला घर हो, दूसरा घर हो, तीसरा घर हो, चौथा घर हो। तो आप अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत करेंगे, अपनी फैमिली को जोड़ने में मदद करेंगे। तीसरा भाव है तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। सातवां भाव है तो आपको समावेश बनाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस का हो या फिर लाइफ पार्टनर का हो। इस तरह से जिस घर में शनिदेव पाए जाते हैं, उस घर में आपको वो डर भी होगा और आपको स्ट्रगल भी होगा। आपके किए गए हुए कार्य इस जन्म के भी और पिछले जन्म के भी डिमांड करेंगे, वो फिर से लौट के आते हैं। हम कहते हैं ना, आपका किया हुआ हर काम लौट के आता है। ये जो काम है, ये शनिदेव के रिस्पॉन्सिबिलिटी शनिदेव की है कि आप अपने कोई भी ऐसा काम किया हो, अच्छा किया है तो आपको अच्छाई का फल भी मिलना है, बुरा किया है तो बुरा का फल भी आपको प्राप्त होना ही होना है। शनिदेव आपको उससे बख्शने वाले नहीं हैं, ये भूल जाओ। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो वो लाठी जो है वो शनिदेव है। अगर आप अपने इस घर को पहचान लो, आप अपनी जिम्मेदारी को पहचान लो, आपको पता हो कि आपने क्या किया है और क्या करना है, जितनी जल्दी इसको आप पहचान लोगे, उतने जल्दी आप इस कर्म से मुक्ति पा सकते हो। शनिदेव आपकी मदद भी करेंगे। 12वें घर में, एक उदाहरण दे रहा हूं, 12वें घर में शनिदेव जो है, ज्यादातर आपको मैंने फियर की बात की थी, तो डर की बात की थी। 12वें घर में शनिदेव आपको, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि ये जो दिमाग आप अभी सोच रहे हो, एक है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये उन दोनों में तालमेल बिठाने नहीं देता, आपकी नींद खराब कर देता है, या तो आपको पूरा टाइम सुलाते रहता है। इस जगह पे शनिदेव, ऐसा भी देखा गया है 12वें घर में, आप इस चीज से अगर छुटकारा चाहते हो, ऐसी तकलीफ है तो 12वें घर से आपको, इसको हम कहते हैं एफर्मेशन में समय, उसका हिंदी का एक अप्रोप्रिएट वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, आप अपने आप को लगातार ये बोलते जाओ कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, एफर्म करते जाओ, और शनिदेव आपकी पूरी मदद करेंगे 12वें घर में होने के बावजूद कि वो आपको उस घर से फायदा दिलाए। शनिदेव आपको नसीब और पैसा दोनों देते हैं, और किस तरह से आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
जैसे कि आपके स्कूल के जमाने में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर कोई रहा होगा, ये एक स्कूल की टीचर है जो आपको जब भी वो हर भाव से गुजरेंगे, आपको पता है शनि देव आपके पैदा होने के बाद जब तक आप 28 साल के होते हैं तो पूरा चक्कर लगा करके शनि देव उसी जगह पे आते हैं, क्योंकि शनि देव का जो पूरा जो एक सब भाव में वो 2.5 साल के लिए भ्रमण करते हैं, तो वो उसी जगह पे लौट के आते हैं जिस जगह पे आपके जब आप पैदा हुए थे वहाँ पे थे, और तब तक आपकी उम्र 28 साल की होती है। और मैंने अपने वीडियो में कहा था 28 साल की उम्र में आप पूरी तरह से डिसाइड कर लेते हो कि आपको आपके प्रोफेशन में क्या करना है। याद रखिएगा मेरी बात को, एक है 28 साल और दूसरी है 56 एज, इसको आप डबल कर दीजिए। शनि देव इसको बोलते हैं सैटर्न रिटर्न, यानी कि शनि देव का उसी जगह पे आ जाना जहां पे वो थे आपके पैदाइश के वक्त। ये 12 भाव में जब भ्रमण करते हैं, हर भाव में एक स्कूल टीचर की तरह आपको वो हर भाव के बारे में सिखाते हैं। जैसे कि कोई एक टीचर है जो आपको हर एक क्लास में जाके बता रही है इस क्लास में ये सीखना है, इस जगह पे ये सीखना है, इस जगह पे ये, वो हर चीज़ को सिखाते सिखाते आपको 28 साल की उम्र तक लेके आते हैं। और फिर 28 साल के बाद में फिर से वो एक चक्कर लगता है जहाँ पे आपको बोलते हैं आपने यहाँ पढ़ाई की थी लेकिन अब एक बार फिर से हमें उसको वापस से दोहराना होगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इन इन घर में आपको क्या करना है। अब जब हम पैसों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि मंगल और सूर्य है जो हमें पैसा दिलाते हैं। मंगल इसलिए कि मंगल में वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो एक कॉम्पिटिटर है, वो लड़ झगड़ करके अपनी चीजों को करते हैं। मैं आपसे सहमत हूं। वहीं पर सूर्य भी माने गए हैं कि वो आपको धन प्राप्ति कराते हैं, नौकरी हो, करियर हो, प्रोफेशन के द्वारा। फिर आप उसे सवाल करोगे कि फिर हमें समझ में नहीं आता कि शनिदेव पैसा कहां से दिलाते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जिससे शनिदेव हमें पैसा दिलाते हैं। अब शनिदेव का पैसा दिलाने का तरीका इन दोनों ग्रहों से बहुत अलग है। देखिए अगर हम शनिदेव की तुलना मंगल से करें तो पहले हम समझते हैं मंगल क्या है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इतना ज्यादा एक्शन में होता है जैसे कि एक सेनापति है। मंगल को सेनापति ही गिना गया है। एक सेनापति है जो घोड़े पे बैठा है और वो दौड़ लगा रहा है और वो एक जमीन का टुकड़ा है जिसको हासिल करना चाहता है। वो लड़ता है, मारता है और उस जगह पे जाकर के अपना कब्जा जमा लेता है, लेकिन वो बैठता नहीं है। मंगल का प्रॉब्लम ये है कि मंगल बैठता नहीं है, मंगल की भूख नहीं मिटती है। वो बोलता है ये जमा कर लिया मैंने, ये इस जगह को मैंने अपने कब्जे में कर लिया, अब आगे फिर आगे। इस दौड़ में मंगल हमेशा दौड़ता रहता है और किसी भी वक्त जिंदगी में वो आपको संतुष्टि नहीं मिलती कि जो मैंने प्राप्त कर लिया उसको मैंने पैसा कमा तो लिया लेकिन उस पैसे का मैं उपयोग करूंगा कब, क्योंकि मेरी वो लड़ाई बंद ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे में वो भूख है कि बस मैं आगे ही जाना चाहता हूं। और जब आप कहीं पे रुकते हो, थमते हो, तब तक वो जो चीज आपने प्राप्त की है उसकी वैल्यू क्या रह जाती है। बिकॉज आपको जब उस चीज को, मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास पैसा खर्च करने का अगर साधन नहीं है, समय नहीं है, तो मुझे उस पैसे का क्या फल मिलने वाला है, कुछ नहीं। मंगल की ये तकलीफ है। वहीं पर अगर हमें शनिदेव को की तुलना करूं सूर्य से, तो सूर्य अपने आप में वो एक राजा है, उसमें बहुत बड़ा अहंकार है, अहम है। वो बोलता है कि सब छोटे लोग हैं, मैं बड़ा हूं। अगर वो किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, किसी भी जगह पे काम भी करता है, नौकर भी है, तो वो अपने बॉस को ऐसा समझेगा कि मैं इस पे एहसान कर रहा हूं।
वो बॉस को बोलेगा भैया मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इसके वजह से कंपनी चल रही है, ये सन है। वो राजा है, वो अपनी प्रजा को बोलता है कि अब राजा का क्या होता है, राजा बोले प्रजा सबको बोलेगा जाओ तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है, मैं तो हाथी पे बैठा हूं। ये सूर्य है। अब इन दोनों को समझने के बाद में आते हैं कि शनि देव फिर क्या है, और खास करके शनि देव अगर आपकी कुंडली में, या आपको पता होना चाहिए कि हमारी काल पुरुष कुंडली में शनि देव दसवें घर के और ग्यारहवें घर के मालिक है। अब दसवां घर क्या है? कर्म। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक, दूसरा घर कौन सा है? ग्यारहवां घर जो कि कुंभ राशि है, दसवां घर जो है वो मकर राशि है। मकर राशि कार्मिक इसलिए कही गई है क्योंकि वो कर्म करवाती है, यानी कि आप मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद जो दूसरा घर है जिसको हम बोलते हैं कुंभ राशि, वो जो आपने कर्म किया उसका आपको लाभ मिलता है। ठीक है। अब शनिदेव अगर कर्म स्थान में है, मतलब उनका संबंध अगर कैप्रिकॉन से है, मकर राशि से है, तो ये आपको, ये एक ऐसा घर है जहां पे आपको कर्म करना है, तो आपको हो सकता है कि वो ऐसी जगह पे डाले जिस जगह पे एक स्ट्रक्चर हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप किसी जगह पे गवर्नमेंट में काम करते हो, लेकिन आप जो भी करते हो आप देखोगे कि आप जो आपके नीचे, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मकर राशि और शनि देव जब काम करेंगे तो वो छोटे लोगों के लिए, जैसे कि म्यूनसिपलिटी है या ऐसी चीज जहाँ पे वो खुद उतर के जाएंगे और बोलेंगे भैया ये रास्ता बनना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पे, वो पूरी सोसाइटी को बनाने में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं है, वो जमीन पे उतर के काम करेंगे, और वो हर चीज में आपको नियम कायदा समझाएंगे, जो भी करना है नियम से करना है। अगर आपने जरा भी नियम के बाहर काम किया तो शनिदेव आपको खींच लेंगे, क्योंकि शनिदेव को नियम के बाहर कुछ भी काम करना पसंद नहीं है, वो बिल्कुल आपको आड़े हाथ दे लेंगे। वो कहेंगे आपसे कि आपको मेहनत करनी है, आपको कुर्सी पे बैठ करके काम नहीं करना है, आपको कुर्सी छोड़नी है, जमीन पे उतरना है, तभी ही जिस पैसों की आप बात करते हो, जिस नसीब की आप बात करते हो, जो लक की आप बात करते हो, मैं दूंगा, लेकिन जब तक आप जमीन पे नहीं उतरोगे मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। हो सकता है कि वो आपको इस काम में इतना पैसा ना दे जितना पैसा शायद कोई और कमाता हो, लेकिन वो जो भी देंगे वो परमानेंट देंगे, और उस वो जो पैसा होगा उसकी इतनी अहमियत नहीं होगी, लेकिन आपको जो स्थान मिलेगा, जो जगह मिलेगी, उसकी जो इज्जत होगी, आप देखना उसकी इज्जत उस पैसे के तुलना में बहुत ज्यादा होगी। शनिदेव हमेशा चाहते हैं कि आप जिंदगी में बेबी स्टेप्स लेकर, यानी कि एक कदम और एक कदम, एक कदम आगे बढ़ो, और शनिदेव आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी ऊर्जा लगती है वो देंगे, लेकिन एक पूरा साथ में नहीं देंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं, शनिदेव की ये नेचर होगी कि अगर वो बोलेंगे आपको यहां से 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप बोलेंगे सर मैं जाऊंगा, तो मेरी आप टैंकी टैंक फुल कर दो, पेट्रोल भरा दो। वो बोलेंगे नहीं, 5 किलोमीटर दूरी पे एक पेट्रोल पंप है, मैं यहां पे इतना ही पेट्रोल डालूंगा कि आप उस पेट्रोल पंप पे रुकोगे और वहां पे फिर से पेट्रोल डलवाओगे। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, जब मुझे पता है 25 किलोमीटर में जाना है, तो बोलेगा नहीं, जब तक आप रुकोगे नहीं, जब तक आप पेट्रोल भराओगे नहीं, तब तक आपको उस पेट्रोल की कीमत पता नहीं पड़ेगी। ये उनका तरीका है आपको सिखाने का,
वो उतना ही देंगे जितना आपकी आवश्यकता अभी के लिए है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार आपके पास में पर्याप्त धन या पर्याप्त चीज आ गई तो उसके बाद में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बाकी के कार्य छोड़ देंगे। शनिदेव ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ओके, ये उनका तरीका है, अपना तरीका है उनका। लेकिन उनकी तरफ से दिया हुआ जो भी चीज है, जो भी वो आपको जिंदगी में देंगे, रुतबा, पैसा, वो परमानेंट होगा। जॉब भी होगा तो परमानेंट होगा, पैसा भी होगा तो परमानेंट होगा। ये एक खास बात है शनिदेव की। और वो जो पैसा आप प्राप्त करोगे, जब वो आपके हाथ में पैसा आएगा, इतनी संतुष्टि आपको होगी उस पैसे के कमाने की, क्योंकि आपको पता है इस पैसे में पूरी मेहनत आपकी है। जितना वो पैसा आप एंजॉय करोगे, ना सूर्य का दिया हुआ पैसा, ना मंगल का दिया हुआ पैसा, ना गुरुदेव का दिया हुआ पैसा इतना आपको संतुष्टि नहीं देगा जो शनिदेव का पैसा आपको संतुष्टि देगा। वहीं पर अगर शनिदेव की बात की जाए कुंभ राशि में, अब कुंभ राशि लाभ स्थान है, 11वां घर है, ये आपको जोड़ता है सोशल नेटवर्क से। 11वां घर सोशल नेटवर्क का है, ये आपको बड़े कॉरपोरेशन से, बड़ी कंपनी से, बड़े नेटवर्क से वो जोड़ता है। यहां पर जो आपको अचीवमेंट होती है, आपको जो फल प्राप्त होता है, मटेरियल भी होता है, प्रेस्ट रुतबा भी होता है आपका। और जो लोग शनिदेव 11वें घर में जिनके साथ में संबंध बांधेंगे, वो इस बात का वो सोचेंगे कि मेरा जितना भी सोशल सर्कल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं 11वें घर में, ये सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हम किसी एक लक्ष्य की तरफ काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा 100 लोगों का फैन क्लब है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो हम बोलते हैं ना, जितने भी आंदोलन होते हैं वो शनिदेव क्यों करवाते हैं, कि आंदोलन का क्या होता है, एक लक्ष्य होता है आंदोलन का, कि हमें ये चीज चाहिए। वहीं पर अगर आप देखो कि ग्यारहवां जो घर है जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं, 11वें घर के अंदर कोई भी ग्रह क्यों ना हो, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, वो आपको अच्छा ही फल देगा। और कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे कि शुक्र अगर 11वें घर में है तो वो आपको बहुत अच्छा नेगोशिएटर बनाता है, यानी कि वो एक आपको अच्छा दो लोगों में नेगोशिएट करना वो आपको कला देता है 11वें घर के अंदर। वहीं पर आप देखोगे कि अगर बुध वहां बैठे हुए हैं तो बुध जो है वो ज्यादा उसको हम कहते हैं ना, उनको बोलना वो पसंद है, तो वो बोल चाल से 11वें घर में पैसा प्राप्त करते हैं। वहीं पर आप देखोगे कि सूर्य जो एक रॉयल किंग है, वो एक राजा है, उनका नेटवर्क ऐसा होगा कि वो सब टॉप लेवल के लोगों के साथ में उठना बैठना होगा और पैसा उनको वहां से आएगा। उसी तरह से गुरु भी वहां पर उनका जो आसपास का जैसे कि सारे के सारे प्रोफेसर्स हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वहां से उनका पैसा अर्जित होता है 11वें घर में। वहीं पर आप देखोगे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में आपके सुख भाव के मालिक है, तो वहां पर आप देखोगे कि आप लोगों को सुख देकर के पैसा कमाओगे। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई कोई आदमी मेरा होटल है और मेरे होटल में जो कमरे हैं उसमें आप जब आके ठहरते हो तो मैं आपको क्या देता हूं, मैं आपको कंफर्ट देता हूं, मैं आपको सुख देता हूं, मैं सुविधा देता हूं, तो वहां पर पैसा आपको आ सकता है अगर चंद्रमा वहां बैठा हुआ है तो। वहीं पर अगर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल कॉम्पिटिशन का कॉम्पिटेटर है वो, तो वो किसी भी टाइप का कॉम्पिटिशन में आप अगर स्पोर्ट्स भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी आपको पैसा मिल सकता है। यहां तक के 11वें घर में केतु जैसा प्लैनेट भी आपको फल प्राप्ति करा सकता है, धन प्राप्ति करा सकता है। राहु आपको वहां से फॉरेन कनेक्शन दिलवा सकता है,
क्योंकि वो खुद फॉरेनर है, राहु इज फॉरेनर, उसको हमेशा बताते हैं वो एक उसका उस, उनकी उसका उसका उनके विचार ही अलग होते हैं, तो ऐसे लोगों से होता है। तो शनिदेव अगर 11वें घर में है, ओके, अब शनिदेव लाभ में क्या दिला सकते हैं? जैसे कि 11वें घर में अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हो जिसमें कि डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर है, तो ऐसी चीजों में शनिदेव आपको पैसा दिलाते हैं बहुत 11वें घर में, उनके खुद की राशि में। आपको एक बात और भी समझना होगा, शनिदेव 11वें घर में अगर पैसा दिलाते हैं तो बहुत खूबसूरती से हॉरोस्कोप को बनाया गया है कि 11वें से चौथा भाव, देखो चौथा भाव किसी भी एक भाव का सुख कहलाया जाता है, ठीक है। अगर पहले घर से चौथा घर सुख है, दूसरे घर से पांचवा घर सुख है, फैमिली बच्चा, इस तरह से 11वें घर का जो चौथा घर है वो है दूसरा घर। जो पैसा आप 11वें घर से कमाते हो उसे आप बचाते कहां पे हो या कहां लगाते हो वो है दूसरा घर, इसके हम कहते हैं सेकंड हाउस, दूसरा भाव आपका बैंक बैलेंस है। आप समझ रहे हो, वो आपका बैंक बैलेंस है, कितना पैसा आप बचा लेते हो। उसके बीच में अगर 12वां भाव ज्यादा प्रभावित हो गया तो वो खर्च करवा देता है आपसे। अब शनि देव का काम है कि वो आपको जो कुछ भी देंगे वो आपके कर्मों के हिसाब से ही देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देव आपको 100% आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा आपके सामने प्रस्ताव लेकर आते हैं जहां पर आप बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंचते हो, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक शनि देव को ये ना लगे कि हाँ इस ओहदे को, इस पोजीशन को पाने के लिए इस व्यक्ति ने जो मैंने कहा था, जो मेरे हिसाब से उसे करना चाहिए, क्या इसने इतनी मेहनत की, क्या इसने इतना पसीना बहाया, अगर हाँ तो वो आपको देंगे। और जो शनिदेव देंगे वो आपसे वापस कोई नहीं ले सकता, परमानेंटली देंगे आपको। आपको एक बात मैं और बता दूं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था जब मैंने आपको साढ़े सती के बारे में समझाया था, मैंने आपसे कहा था शनिदेव साढ़े सती में आपके कर्मों का हिसाब करने आते हैं, वो इतनी तकलीफ से गुजारते हैं आपको, लेकिन उस तकलीफ में वो आपको टेस्ट करते, देखते कि आप इस तकलीफ में रास्ता भटक रहे हो या आप उस दर्द को सह रहे हो। देखिए मुझे अगर भूख लगी है, साढ़े सती में हूं, मेरे को अगर भूख लगी है, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं मेहनत करूंगा, अगर मुझे छोटा काम भी करना पड़े मैं करूंगा क्योंकि मुझे पेट पालना है, या मैं बोलूंगा नहीं मैं छोटा काम तो नहीं कर सकता, मैं काम करता हूं, मैं ऐसा कुछ गलत काम करता हूं जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। दो रास्ते हमेशा जिंदगी में आपके सामने होते हैं, शनिदेव यही चेक करेंगे आपके सामने और ऐसे ऐसे प्रस्ताव भी सामने लेकर आएंगे, आपको बहुत मौका देंगे वो जहां पे आपका मन भटक सके। वो देखना चाहते हैं कि क्या आपका मन भटक रहा है, क्या आप इजी पैसा कमाने के लिए सट्टा लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हो, साढ़े सती में वो चेक करेंगे। लेकिन अगर साढ़े सती में उन्होंने देखा कि हाँ इसने धैर्य बनाए रखा, इसने अपना काम किया, और फिर जाते जाते साढ़े सती में, याद रखिएगा मैं हमेशा कहता हूँ शनिदेव साढ़े सती के आखिरी वक्त जाते वक्त या जाते जाने के बिल्कुल सही चार चीजें आपको देखे जाते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, शायद किसी आर्टिकल में आपने पढ़ा नहीं होगा। चार चीजें याद रखना, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी करवा के जाएंगे साढ़े सती में,
दूसरा अगर आपकी शादी हुई है और बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि बच्चा नहीं हो सकता, तो भी बच्चा हो सकता, उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तीसरा, आपके सर पे छत देखी जाती है, यानी आपका खुद का मकान बना के जाते हैं, चाहे फिर आप वो लोन लेके बनाओ या कुछ भी लेके बनाओ, वो अलग बात है। और दूसरा, आपको चलाने के लिए एक वाहन, अभी वाहन आपके परिस्थिति के हिसाब से देंगे, हो सकता है कि पैदल चलने वाले को साइकिल मिल जाए, साइकिल चलाने वाले को बाइक मिल जाए, बाइक चलाने वाले को कार मिल जाए, कार चलाने वाले को और अच्छी कार मिल जाए, लेकिन वो देखे जरूर जाएंगे। ये है शनिदेव का पैसा देने का तरीका, नसीब देने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे तुरंत आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।